अस्सलाम वालेकुम। ये आज की टेस्ट है 19 जनवरी IBA 5 to 15 स्केल वाले, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कास्ट स्क्वायर एक्स 1 प्लस कार्ट स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी। इससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं वो आप समझ लें ताकि इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। ट्रिग्नोमेट्री में किसे कहते हैं कि द स्टडी ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब ये जो ट्राइंगल होता है ना, राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री होती है और यहाँ पर जो एंगल है उसको कोई भी नेम ले, लेट से थीटा। थीटा जो है ना, ये एक ग्रीक वर्ड है जो एंगल के लिए यूज़ होता है। अब 90 के अपोजिट में जो बिल्कुल साइड होगी वो होता है हाइपोटेन्यूस, और जो एडजेसेंट साइड होती है उसे हम बेस कहते हैं, और जो साइड 90 डिग्री के एंगल बनाती है उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। अब ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशोज़ होते हैं। फर्स्ट होता है साइन थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। फॉर एग्जांपल, अगर ये साइड हो आपकी 8 सेंटीमीटर और ये है 6 और ये है 14 सेंटीमीटर, अगर यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालनी होगी तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है और बेस की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूस की 14 सेंटीमीटर। तो ये क्या होगा? 8 परपेंडिकुलर अपॉन 8 अपॉन 14। 8 पे 2 की टेबल 4 टाइम, 14 पे 7 टाइम, मीन साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 4 अपॉन 7। इसी तरह अगर कास थीटा की वैल्यू पूछे तो कास थीटा किसके इक्वल होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है? 6 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूस कितना है? 14 सेंटीमीटर। 2 की टेबल 6 पे 3 टाइम और 14 पे 7 टाइम। तो ये हो गया, जो रेशो होगा वो होगा कास थीटा का, इसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और टेन थीटा हमारा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है? 8 सेंटीमीटर, और बेस क्या है? 6 सेंटीमीटर। अगेन 2 की टेबल लगाएं, 4 अपॉन 3, तो ये रेशियो हो गया 10 का। ऐसे ही कोसेक थीटा इक्वल होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस के, और सेक थीटा इक्वल होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस के, और कॉट थीटा इक्वल होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर के। लेकिन जो क्वेश्चन दिया है उसने वो इन तीन आइडेंटिटीज़ पे दिया गया है कि एक साइन, अब ये फर्स्ट आइडेंटिटी है, सेकंड और ये थर्ड। क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। और टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसके इक्वल होता है? सेक स्क्वायर थीटा के। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसके इक्वल होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा के। अब जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो क्या पूछा गया है कि 1 प्लस का 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस काट स्क्वायर एक्स। अब देखें, मैंने यहाँ पर थीटा यूज़ किया है, यहाँ पर थीटा की जगह एक्स भी हो सकता है, वाई भी, जेड कुछ भी हो सकता है, वो आप वेरिएबल है, आप कोई भी लेटर ले सकते हैं। अब देखें, यहाँ पर 1 माइनस कास स्क्वायर है, ये एक आइडेंटिटी से लिया गया है। कौन सी आइडेंटिटी से? कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप एक्स रख लें, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होगा? 1 के। अब अगर हम ये कास स्क्वायर एक्स पॉजिटिव है, राइट साइड शिफ्ट करें, तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स। मीन्स जो 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स है वो किसके इक्वल हुआ? साइन स्क्वायर एक्स के। और ये जो दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस काट स्क्वायर एक्स, देखें काट स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसके इक्वल है? कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो 1 प्लस काट स्क्वायर एक्स ये किसके इक्वल होगा? कोसेक स्क्वायर एक्स के। तो इसका जो आंसर हुआ वो क्या है? साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस काट स्क्वायर एक्स किसके इक्वल है? कोसेक स्क्वायर एक्स के। तो देखें, यहाँ पर अगर हम लिखें साइन स्क्वायर एक्स इन टू कोसेक स्क्वायर एक्स, देखें अब यहाँ से क्या करना है कि साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर, साइन थीटा किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होल स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर किसके इक्वल है? हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा? हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस के साथ कैंसिल, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर के साथ कैंसिल। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 1। और इसके जो मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं वो मैं आपको लिख सक के देता हूँ कि जब भी टेन एक्स और काट एक्स आपस में मल्टीप्लाई हैं वो 1 होते हैं, क्योंकि टेन एक्स इक्वल होता है 1 अपॉन कॉट एक्स के, और अगर काट एक्स और टेन एक्स मल्टीप्लाई हों फिर भी 1, और अगर साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे वो भी क्या होगा? 1, और कास एक्स इंटू सेक एक्स भी किसके इक्वल होता है? 1 के। और उसके बाद कास साइन कोसेक
कॉस सेक, और ये जो आपस में तीनों जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। फॉर एग्जांपल के साइन एक्स थीटा किसके इक्वल होता है 1/2 कोसेक थीटा के, और जो कॉस थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है 1/2 सेक थीटा के। अगर ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इनमें सही होगा, इनमें से कोई भी इंशाल्लाह बाहर नहीं होगा। और ये क्वेश्चन नंबर 42 है जिसमें कह रहा है द वैल्यू ऑफ एन इन 15 × (5)³ इज इक्वल टू 5^4 × (3)4। अब इसमें से n की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखें अगर ये 15 × (5)³ इज इक्वल टू ये क्या है 5^4 × (3)4। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे कि देखें यहाँ पर 15 को ब्रेक करें क्या होगा 3 × 5। कैसे 15 पे 3 की टेबल 5 टाइम जाएगी, 5 की 5 पे टेबल 1 टाइम, और ये हो गया 5 × 3^n इज इक्वल टू 5^4 × (3)4। अब अगर यहाँ पर देखें ये जो पावर n है ये 5 पे भी आएगी और ये पावर n 3 पे भी आएगी, तो ये हो जाएगा 3 × 5 × 5^n × (3)n इज इक्वल टू 5^4 × (3)4। ठीक है, अगर इसको हम ये 3 और ये भी बेस 3, जब बेसिस सेम हो तो पावर क्या करते हैं हम ऐड करते हैं, मींस यहाँ पर होगा 3^n और इसकी पावर कितनी है 1, 3^n+1 और ये होगा 5^n+1 इज इक्वल टू 5^4 × (3)4। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि दोनों साइड पे देखें अगर कंपेयर करें कि 5^n+1 को 5^4 के साथ कंपेयर करेंगे और 3^n+1 को 3^n+4 के साथ कंपेयर करेंगे। अब ये हो जाएगा अगर यहाँ पर देखें, या तो आप ऐसे कर लें कि बेसिस क्या है चेंज है लेकिन पावर क्या है उसका सेम है, यहाँ पर भी बेसिस चेंज है लेकिन पावर क्या है सेम है, जब बेस चेंज हो और पावर डिफरेंट हो, पावर सेम हो बेसिस चेंज हो तो क्या करते हैं बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, मींस यहाँ पर 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपका हो जाएगा 3 × 5^n+1 और ये हो जाएगा 3 × 5^4 मींस 15^n+1 इज इक्वल टू 15^4। अब देखें इस टाइप का सेम एज इट इज़ क्वेश्चन कल वाली टेस्ट में भी रिपीट हुआ था और जो परसों टेस्ट हुई थी उसमें भी यही क्वेश्चन रिपीट हुआ था। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, कल वाली टेस्ट में उसने x की वैल्यू पूछी थी और यहाँ पर उसने n की वैल्यू पूछी है, तो अब देखें सेम बेस हो गए, मींस यहाँ पर भी बेस 15 है यहाँ पर भी बेस 15 कैंस हो जाएगा, तो ये हो गया (n+1)=4। अब अगर n की वैल्यू फाइंड करें तो कैसे फाइंड करेंगे, प्लस वन उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, (n=4−1) तो n की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 3। और ये क्वेश्चन नंबर 43 है जिसमें कह रहा है कि अनवर हैज़ 6 टाइम्स मच मनी एज मीरा, मींस जो अनवर के पास पैसे हैं वो मीरा से 6 टाइम्स है। फॉर एग्जांपल अगर मीरा के पास 10 रुपीज़ है तो अनवर के पास 60 रुपीज़ हैं क्योंकि वो 6 टाइम्स है। अगर मीरा के पास 20 रुपीज़ होंगे तो अनवर के पास कितने होंगे 120 रुपीज़। इफ़ अनवर गिव्स ₹80 टू मीरा, कह रहा है कि अब अगर उन पैसों में से अनवर मीरा को 80 रुपीज़ दे रहा है, बोथ ऑफ देम विल हैव इक्वल अमाउंट ऑफ मनी, अब दोनों के पास सेम अमाउंट ऑफ मनी हो गया। अब बताओ कि एट द बिगनिंग मीरा हैज़ मनी, शुरुआत में मीरा के पास कितने पैसे थे, अब हम क्या करेंगे कि लेट मीरा हैज़ जेड रुपीज़, अब सपोज़ कर लें कि मीरा के पास जो पैसे हैं वो कितने हैं जेड रुपीज़ हैं और अनवर के पास मीरा के 6 टाइम्स हैं, 6 टाइम मींस अनवर हैज़ 6 टाइम्स, टाइम्स वर्ड जहाँ भी यूज़ हो ना तो वहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल मीरा के जेड रुपीज़ हैं, जेड को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो अनवर के पास हो गए 6z। अब कह रहा है कि उन पैसों में से अनवर 80 रुपीज़ मीरा को दे रहा है, 80 रुपीज़ देने के बाद अब जितने पैसे अनवर के पास हैं उतने ही पैसे मीरा के पास है, मींस के अनवर गिव्स 80 रुपीज़ टू मीरा
अब 80 रुपीज़ मीरा को दे रहा है, तो उसके बाद उन दोनों के पैसे इक्वल हो रहे हैं। मीन्स के अब पहले मीरा के पास पैसे कितने थे, 100 रुपीज़, उसको 80 रुपीज़ अनवर ने दिए, तो अब पैसे कितने हो जाएंगे, 100+80 रुपीज़। अनवर के पास Z+80 रुपीज़, अनवर के पास कितने पैसे थे, 6Z, उसमें से 80 रुपीज़ जब उसने मीरा को दिया, तो जाहिर सी बात है वो 80 रुपीज़ इसके पैसों में से कम होगा। अब देखें Z की वैल्यू, अब ये सिंपल लीनियर इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से आप Z की वैल्यू निकाल लें, ये Z की वैल्यू, यहाँ पर Z पॉजिटिव है, इस साइड चला जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, और ये 80 माइनस का है, इस साइड चला आएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये सिंपल आपकी लीनियर इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, 6Z माइनस Z इज इक्वल टू 80+80। अब ये हो जाएगा 5Z इज इक्वल टू 160, तो Z इज इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 32। मीन्स के मीरा हैज़ 32 रुपीज़ इन द बिगिनिंग, जो मीरा के पास पहले पैसे थे वो कितने हुए, 32 रुपीज़।